आपका अपना चैनल न्यूज़ TNN लेकर आया है आज की प्रमुख सुर्खियां। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स दो दिवसीय यात्रा पर आज भारत पहुंचे, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयामों तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों नेताओं के बीच बैठक में यूक्रेन संघर्ष, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति, स्वच्छ ऊर्जा, कारोबार एवं नई प्रौद्योगिकी सहित द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने के कदमों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बिहार दौरे पर हैं। बिहार में अमित शाह के इस दौरे को लेकर बेतिया से लेकर पटना तक पुलिस हाई अलर्ट पर है। बेतिया और बगहा पुलिस कप्तान समेत IG DIG के साथ प्रमंडलीय आयुक्त को सुरक्षा में बेहद कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बनाते हैं वे पंजाब के वारिस नहीं हो सकते। 13वीं किश्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार ने PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की होली से पहले 13वीं किश्त जारी करने का ऐलान कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने 13वीं किश्त रिलीज करने की तारीख और समय भी बता दिया है। दोबारा नहीं होगा MCD की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक। दिल्ली उच्च न्यायालय ने MCD की स्थायी समिति के सदस्यों के फिर से चुनाव पर रोक लगा दी है, जो 27 फरवरी 2023 को होने वाला था। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी राजनीतिक पारी खत्म करने के दिए संकेत। पारी के अंत वाली सोनिया गांधी के बयान पर टिप्पणी के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ उनकी पारी का भी अंत हो गया है। हॉलीवुड के अवार्ड शो में RRR का रहा जलवा, राजामौली की स्पीच पर जमकर बजी तालियां। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड 2023 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया गया। एक बार फिर से RRR मूवी ने तहलका मचा दिया। SS राजामौली की फिल्म ने कुल 4 अवार्ड अपने नाम किए। बांग्लादेश में देर रात मशाल लेकर सड़कों पर उतरे अल्पसंख्यक, हसीना सरकार को भी दी चेतावनी। ओ-इक्या परिषद के महासचिव एडवोकेट राणा दास गुप्ता ने ऐलान किया कि परिषद मार्च से सभी संभागीय शहरों में रैलियां निकालेगा। अगर समय सीमा के भीतर मांगे पूरी नहीं हुई तो आमरण अनशन भी किया जाएगा। पूरी दुनिया पर प्रकृति अपना कहर बरपा रही है। एक ओर जहां कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान के कहर से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर मोजाम्बे में फ्रेडी तूफान ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। बताया जा रहा है कि खौफनाक तूफान तो आकर चला गया पर अपने पीछे बर्बादी का मंजर छोड़ गया है। US चाइना टेंशन, ताइवान में 4 गुना अधिक सैनिकों की तैनाती पर लगा अमेरिका। चीन से युद्ध की रख रहा है नई नींव। यह बड़ी ताकत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है। पेंटागन अपनी इस ट्रेनिंग को ज्यादा प्रचारित नहीं कर रहा है क्योंकि वह चीन को भड़काए बिना ताइवान के सैनिकों को मजबूत करना चाहता है। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ TNN।